हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने मिक्सर एंड एलिगेशन चैप्टर की ओर, जो कि हम किरण पब्लिकेशन 9100 बुक से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, मिश्रण चैप्टर है जो कि किरण पब्लिकेशन 9100 प्लस से है। हमारे इसमें टाइप फर्स्ट के 10 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए और बहुत अच्छा और बिल्कुल सिंपल चैप्टर है। ध्यान से अगर समझोगे और एक बार अगर आप समझ गए तो फिर कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो चलते हैं फिर हम अपने क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर है। चलते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। किसी मिश्र धातु में, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। किसी मिश्र धातु में जस्ता तथा तावा 1:2 के अनुपात में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक दूसरी मिश्र धातु में वे, या फिर ये जो अनुपात है, 2:3 के अनुपात में है, ठीक है। इन दोनों मिश्र धातुओं को मिलाकर, इन दोनों मिश्र धातुओं को मिलाकर एक नई मिश्र धातु बनाई गई जिसमें ये दोनों अवयव 5:8 के अनुपात में हो या फिर हो जाएं। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि दो चीज़ें मेरे पास और उन दोनों को मिलाकर मैं ऐसा मिलाऊं कि जो 5:8 हो जाए, 5:8 हो जाए, ठीक है। तो मिश्र धातु को किस अनुपात में मिलाना होगा, क्वेश्चन ने हमसे पूछा, मिलाना किस अनुपात में या फिर मिलाना कैसे है जिससे कि जो हमारा कितना हो जाए, 5:8 हो जाए। कभी कभी हो बोलता है, कभी बोलता है हो जाए। क्वेश्चन ध्यान से सुनना, ठीक है। अब करना क्या होगा, जब भी कभी आपको 3:3, मुझे पता है लैंग्वेज आपकी समझ में नहीं आएगी, अभी जब आप 4, 5, 10 क्वेश्चन करोगे ना तब आपको क्लियर हो जाएगा। ध्यान से समझें, जब भी कभी आपको इस टाइप से क्वेश्चन दिखाई देता है, ठीक है, मोस्टली केसेस की बात करूंगा मैं, परफेक्ट नहीं, ठीक है। सबसे पहली बात, जब भी कभी रेशियो को हम मिलाते हैं तो वो सबसे पहले इक्वल होते हैं। रेशियो को जब भी कभी हम एक दूसरे एक बर्तन में रखते हैं, कंटेनर में रखते हैं, तो क्या होता है, उन दोनों की जो वैल्यू होती है वो इक्वल होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। ये सबसे बड़ा पॉइंट है जो कि मिक्सर को आपको पूरा करा देगा, ठीक है, इक्वल होनी चाहिए हमेशा, ठीक है। क्वेश्चन में बोले या कभी ना बोले, या फिर क्वेश्चन की लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट ये है कि आप क्वेश्चन को पढ़ो, ठीक है, जब तक नहीं पढ़ोगे जब तक नहीं समझोगे। क्वेश्चन ने इसमें हमें 2 अनुपात दिए हुए हैं। पहला जो अनुपात है वो है 1:2, ध्यान से समझना, 1:2, ठीक है, ये पहले कंटेनर का अनुपात है, ठीक, पहले कंटेनर का अनुपात है। एंड सेकंड कंटेनर में जो अनुपात दिया हुआ वो कितना है, 2:3 है, मतलब 2:3 है, ठीक है, ये दोनों अनुपात दिए गए। अब मैंने क्वेश्चन ने बोला कि इन दोनों को ऐसा मिलाओ जो फाइनल आउटपुट हो। फाइनल आउटपुट मतलब लास्ट में आकर जो अनुपात कितना हो जाए, 5:8 हो जाए। कितना हो जाए जी, अब तो जुगाड़ बनेगी जी, एलिगेशन लगा दो जी, है कि नहीं, एलिगेशन तो लगा सकते हैं, कैसे, बट एलिगेशन लगाने से पहले आप ये समझ लें कि हमें इन्हें करना होगा इक्वल। समझे ध्यान से, 8 और 5 कितना होगा, 13, 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3, इसका मैं यहीं पे लिख देता हूँ नीचे, 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5, समझ गए, 2 और 3 कितना हो गया, 5। इन तीनों वैल्यू को बैलेंस करना है, इक्वल करना है। तो याद रखना, जब भी कभी, जैसे मैंने बोल दिया 4, 5 और करीबन मैं मान लेता हूँ 3, मैंने बोला इन तीनों को बराबर करो जी, इन तीनों में ऐसी संख्या का मल्टीप्लाई कर दो जिससे ये तीनों इक्वल दिखाई देने लगे। तो आपको क्या करना होता है, ध्यान से सुनना, जिसकी जिसमें गुणा करना है, जैसे कि अब मुझे इसमें गुणा करना है, भाई सोचो या तो दिमाग लगा लो जी, और अगर दिमाग नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हम हैं। अब क्या करना है, इस 4 को दुबका लो, 5 × 3 = 15 का गुणा कर देंगे, ठीक है। जिसका मल्टी मतलब जिसको बैलेंस करना है उसे हिडन कर लेंगे, दुबका लेंगे और बाकी के दोनों का मल्टीप्लाई करके इसमें कर देंगे जी। इसमें लिखना है 4 × 3 = 12,
इसमें लिखना है चार पंजे बीस। जरा आप ध्यान से देखिएगा क्या ये तीनों वैल्यू इक्वल हैं, तो देख लेते हैं जी। तो पंद्रह चौके साठ, बारह पंजे साठ, बीस तिया साठ, क्या बात है, बल्ले बल्ले मजे आ गए। समझ गए, जब भी कभी हमें कोई भी वैल्यू बैलेंस करनी है तो हमें क्या करना होगा, इस मेथड से बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप कोई और छोटा फैक्टर देख लेते हो तो छोटे फैक्टर से भी कर सकते हो, अन्यथा आप इस फैक्टर से कर सकते हो। ये लास्ट ऑप्शन रखिएगा, जब कुछ भी समझना है किसका मल्टीप्लाई करूँ तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, जिससे पे मल्टीप्लाई करना है उसे दुबका लेंगे, बाकी दोनों का मल्टीप्लाई करके चिपका देंगे। पहले दुबकाना है, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करके चिपकाना है, फिर दुबकाना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इधर चिपका देना है, हो गया, ठीक है। तो ये तो रही बैलेंस की बात, मैं थोड़ा सा इसे शिफ्ट करता हूँ, ठीक है। ये कितना था, तीन, क्योंकि फाइव यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है। कितना रेशियो था, दो तीन इक्वल टू कितना है, फाइव, अब सही है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ये पार्टीशन अलग है और ये अलग है, ठीक है। अब मुझे बैलेंस करनी है ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, इनमें ऐसी संख्या का गुणा करो जिससे ये तीनों वैल्यू इक्वल हो जाए, वही कंडीशन है भाई। अगर तीन को बैलेंस करना है तो तेरह इंटू पांच कितने का गुणा हो जाएगा, तेरह पंजे पैंसठ का गुणा कितना होगा मान, हमें उससे मतलब नहीं है, सिर्फ आपको लिख देना है कि हाँ पैंसठ का गुणा होगा, ठीक है। इसे बैलेंस करना है तो तेरह तिया उनतालीस, अब इसे बैलेंस करना है तो पांच ती पंद्रह। अगर आपको नहीं विश्वास बैलेंस हुए या नहीं तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, कैसे चेक करना है बैलेंस हुए कि नहीं, देखो यूनिट प्लेस से चेक करना, पांच ती पंद्रह, पंद्रह का आ रहा है पांच, नौ पंजे पैंतालीस, पैंतालीस का पांच आ रहा है लास्ट में, पांच ती पंद्रह लास्ट में पांच आ रहा है, तीनों बैलेंस है, मल्टीप्लाई करो या ना करो। अब लगाते हैं एलिगेशन, तो आपको समझ में आ गया जब भी कभी क्वेश्चन बोले कि किस अनुपात में मिलाना है हमें, जिससे कि ये अनुपात फाइनल आउटपुट हो जाए, फाइनल रिजल्ट ये होना चाहिए, ठीक है। अब एलिगेशन कैसे लगाते हैं, अब इसमें पंद्रह का किया तो इसमें भी करना होगा, करना नहीं है बस लिख चिपकाते चलो, बस लिखते चलो, यहाँ पैंसठ है तो यहाँ भी पैंसठ है, यहाँ पैंसठ है तो यहाँ भी पैंसठ है, यहाँ थर्टी नाइन है तो यहाँ भी थर्टी नाइन है, सब में कर दो भाई, ये अलग पार्टी, ये अलग पार्टी, ये अलग पार्टी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम एलिगेशन लगाते हैं तो हमें क्या करना होता है, या तो आप इसे ले लो जो मैं सर्कल बना रहा हूँ, पहला 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 प्यार हुआ रे है, ऐसे कुछ गाना सुना होगा, तो सबका पहला 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 लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम पहला 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 लेंगे तो हमारा एलिगेशन से जो आंसर आएगा वो एकदम करेक्ट होगा, समझ गए, तो देखते हैं ट्राई कर लेते हैं। तो पैंसठ एकम पैंसठ, थर्टी नाइन, चालीस दुनी अस्सी मतलब सेवेंटी एट, पंद्रह पंजी पिचहत्तर। एलिगेशन क्या कहता है कि जो बीच में आप वैल्यू लिख रहे हो वो इन दोनों के बीच में होनी चाहिए, बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं। पैंसठ से पिचहत्तर दस, पिचहत्तर से ये तीन, तो थ्री रेशियो टेन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर, तो थ्री इज टू टेन हमारा एकदम परफेक्ट आंसर होगा, ठीक है, परफेक्ट आंसर है और इसे कोई चेंज नहीं कर सकते। ये वैल्यू कैसे आई पता है, पैंसठ, पैंसठ एकम पैंसठ, सेवेंटी एट, थर्टी नाइन टू जा इतना, 75, 15, 5, 75, ये मल्टीप्लाई तो सिर्फ आपको लिखना है, जिससे मतलब है उससे। अब मैं आपको बता दूं करना क्या, कुछ नहीं, बैलेंस करना, बैलेंस करने के बाद में सबके पहले पहले में मल्टीप्लाई कर देना बस, और बाकी लगा लेना क्या एलिगेशन। अगर आप पहला 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 नहीं लेते हो तो दूसरा दूसरा प्यार कर लो भाई, तो हो गया आप दूसरा प्यार, सेकेंड 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 ले लो, तो यहाँ पे सेकेंड अगर मैं लूंगा तो पैंसठ दुनी करना पड़ेगा, थर्टी नाइन थ्री जा करना पड़ेगा, एंड पंद्रह अट्ठे करना होगा, आंसर वही आएगा, आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, याद रखना, करके देख लेते हैं जी। तो यहाँ पे अगर मैं करूँ तीन पाँच पंद्रह की पाँच, तीन छिंग अठारह और एक उन्नीस, 195 पहला हो गया, ठीक है। यहाँ पे कितनी में करना है, सॉरी थ्री में नहीं करना, हमें टू में करना है,
थ्री तो कुल है ना, इस टू में करना है जिस पे मैंने एरो लगाया, तो 65, 60 दुनी 120, 130 हो गया। जस्ट देखो 65 का डबल आया है, यहाँ पे कहीं ना कहीं 78 का डबल होगा, तो यहाँ पे 39 का 3 में मल्टीप्लाई, 9 3 जा 27, 2 कैरी, 3 3 जा 9, 9 और 2 11। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 15 8 120, मैंने अभी यहाँ पे क्या क्या लिया है, सेकंड 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 मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है, आपको एक ही फॉलो करना है, ठीक है, सीख जाओगे तो मन चाहे जो कर लोगे। 117 120 कितना बचा, 20 से 30, तो क्या आंसर सेम आया, बिल्कुल, यह हमारा क्या होगा, परफेक्टली आंसर होगा, समझ के। अब फटाफट से नोट कर लीजिए, अब मेरा नंबर नहीं आपका नंबर है, ठीक है, जैसा आपको बेटर फील हो उस तरीके से आप कर सकते हो नोट, और क्वेश्चन जरूर रीड कर लीजिएगा या फिर स्टार लगा सकते हो। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाता है तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके वैसे ही हो जाएंगे, ठीक है, फटाफट से नोट कीजिएगा। चलते हैं फिर सेकंड क्वेश्चन की ओर, मतलब ट्वेल्थ की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, 12 में क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखना। किसी बर्तन में दो द्रवों ए तथा बी का अनुपात 4:1 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है, मिला दिया हमने, ठीक है। 10 लीटर मिश्रण निकालने के बाद में, अब क्वेश्चन वही है जैसा हमने पहले किया था, ठीक है, ए और बी दो द्रव हैं, मैंने आपको बोला था कि 4:1 निकालने के बाद जब हम निकालते हैं तो उस चीज को हम भूल जाते हैं, मिश्रण जब निकाल रहे हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं, हम उसे भूल जाते हैं, ठीक है। जब आप सीरियल वाइज में देखोगे तो आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तो यहां पे अगर मैं बात करूं 4:1 है, ये जो अनुपात लिखा हुआ है निकालने के बाद लिखा हुआ है, आगे देखते हो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। उसके बदले बी डाल दिया जाता है तो अनुपात 2:3 हो जाता है, कितना हो जाता है जी, उसके बाद बी डाल दिया जाता है, भाई बी डाल रहे हैं ना, जब बी डाल रहे हैं तो ए को क्यों इफेक्ट कर रहे हो, इसे तो हटा दूं, तो सिंपली मल्टीप्लाई 2 का कर देंगे। क्यों कर दिया 2 का मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे 4 है तो 2 में ऐसी संख्या का मल्टीप्लाई करो जिससे 4 आ जाए, तो 2 2 4, 2 का इधर किया तो इधर भी करना पड़ेगा, रेशियो की प्रॉपर्टी दोनों बैलेंस करने पड़ेंगे। यहाँ पे देखेंगे नजा अनुपात कितना हो गया, न्यू रेशियो अगर हम देखेंगे तो 4:1 एंड 2:3, अब सही, सॉरी 2 नहीं 2 2 या 4:6, 3 2 6 और 2 2 4, ये अनुपात हो गया। अब क्या करना है, अब ये अनुपात हो जाता है खराब, यहां पे देखते हैं भाई कितना मिला दिया मैंने, कितना मिला दिया, ये देखो 1 से हो रहा है 6, भाई बी तो ए तो ये था और बी ये था, कितना मिला दिया मैंने 5, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल रहे कि 10 लीटर मिलाया है तो 5 का मान कितना है, 10 है। जब 5 का मान 10 है, मैं यहीं पे लिख देता हूं, 5:1 का मान कितना है, 10 है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 2। जब आप यहां तक पहुंच जाते हो इस टाइप के क्वेश्चंस में तो अब आपको जरूरत पड़ती है कि कुल मिश्रण था कितना, तो कुल मिश्रण निकालने के लिए, कुल मिश्रण निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, नीचे जो वैल्यू है उसका योग टोटल, ठीक है, और 1:2 का मान कितना है, 2, तो 10 का मान कितना हो जाएगा जी, 20 लीटर या केजी जो भी यूनिट है। अब क्वेश्चन ने पूछा क्या, वो क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन ने बोला कि द्रव ए का आरंभिक मान कितना था, द्रव ए का आरंभिक मान कितना था, अब जो 20 है वो 4:1 मतलब टोटल मिला के कुल लेना है जी 20, जब कुल है तो 4 और 1 कितनी होगी, 5, तो मतलब जो 20 है वो 5:1 का मान दिया हुआ है कितना, 20, 4 और 1 मिलाकर 5, ये वाला 5 है याद रखना, ऐसा ना हो आप इस वाले 5 को इसके बराबर रख दो, ऐसा नहीं, 4:1 के अनुपात में 5 हो गया, 5:1 का मान इतना, तो 1 बराबर 5 चौके 1 बराबर कितना निकल के आया भाई, 4,
जब एक बराबर चार है तो क्वेश्चन ने पूछा ए द्रव की मात्रा कितनी है, तो ए के लिए क्या करेंगे हम सिंपली, तो ए है चार, एक बराबर चार, तो चार में चार का गुणा, चार चौक सोलह, और ये सोलह क्या हो जाएगा मेरा आंसर। क्या किया, कुछ नहीं किया हमने, चार अनुपात एक दे रखा था, दो अनुपात तीन दे रखा था, सिंपली इसे बैलेंस किया। क्यों किया, क्योंकि बी मिला रहे थे, बी मिलाने के बाद में नया अनुपात बनाया, नया रेशियो बनाने के बाद में हमने देखा कि कितना मिलाया जा रहा है, पांच मिलाया जा रहा है बी द्रव, अब पांच नहीं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दस मिलाया जा रहा है, एक बराबर दो हो गया। जब कभी यहां पर वैल्यू तक पहुंच जाते हो आप, तो आपको चाहिए कुल मिश्रण, और वो कुल मिश्रण मिलेगा छह और चार दस, नीचे वाली से कुल मिश्रण निकालेंगे हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में, जब निकाला जाता पहले मिश्रण निकाल रहे हैं फिर बी द्रव डाल रहे हैं, ठीक है। चार और छह कितना हो जाएगा दस, दस का मान मतलब एक का मान दो, तो दस का मान बीस हो गया। अब ये इसकी वैल्यू पूछिए, तो चार और एक कितना हो गया, कुल बराबर रख देंगे बीस, एक बराबर चार, तो ए कितना है चार चौक सोलह, मतलब ये सोलह और ये कितना हो जाएगा चार, टोटल मिला के बीस, समझ गए, सोलह हमारा एकदम करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर थ्री में, फटाफट से नोट कीजिएगा। चलो फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर, ध्यान से देखिएगा, सिंपल फॉर्म में एकदम बेस्ट मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, 13 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 13 बहुत सिंपल, आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिएगा। ए तथा बी दो मिश्र धातुएं जिन्हें सोने तथा तांबे को क्रम से 5:3 और 5:11 के अनुपात में समान मात्राओं में पिलगाकर मिलाया जाता है, और तीसरे सी में भर दिया जाता है, तो सोने और तांबे का अनुपात, मतलब यह है दो अनुपात हमें गिवेन है, ठीक है, उन दोनों का समान मात्रा ली हमने। मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था कि समान तो हमें करना होता है जब कभी हमें रेशियो मिलाने होते हैं। देख लेते हैं क्वेश्चन को, 5:3 है, दूसरा हमें दिया गया 5:11, टोटल कितना हुआ 8। अब इन्हें बैलेंस करना है, टोटल जो सम है वो समान होना चाहिए, तो इसमें कर दूं दो का गुणा, जब इसमें कर दिया तो इसमें भी कर दो, ना इंसाफी ना करना किसी के साथ। अब क्वेश्चन ने बैलेंस हो गया, बैलेंस करने के बाद क्वेश्चन ने बोला कि सी एक डिब्बा है और उसमें भर दो जी, भर देते हैं उसमें, हमारा क्या जाता है। तो पहला गोल्ड है, दूसरी क्वांटिटी गोल्ड, दूसरी क्वांटिटी, ठीक है, तो यहां पर गोल्ड वाला गोल्ड में जाएगा, दूसरा वाला दूसरे में जाएगा, तो यहां पर 5 कितना हो गया 10, 3 कितना हो गया 6, ये तो भाई 5 ही, इधर तो मल्टीप्लाई करना नहीं है, तो प्लस 5, इधर कितना 11। सिंपली अगर हम देखेंगे तो जो नया अनुपात होगा वो कितना हो जाएगा 10, 5, 15, 11, 6, 17, और 15:17 इज, ये हमारा एकदम परफेक्ट और करेक्ट आंसर है, समझ गए। क्या किया मैंने, दोनों को बैलेंस किया, बैलेंस करने के बाद में 5:10 यहाँ पे लेके आया, 3:6, मतलब ये पहले वाले में पहला मिलाया जाएगा, दूसरे वाले में दूसरा, जब हम तीसरे डिब्बे में भर देते हैं तो इस प्रकार से भरते हैं, भर गया तो यह आंसर हो गया, तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा करेक्ट 15, 17, ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट है, फटाफट से नोट कीजिएगा। चलो फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं, ठीक है, सबको देख लेंगे एक एक करके, टेंशन ना लो, ठीक है, बस सीखते चलो जितना जल्दी हो सके। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं, 14 देखिएगा क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन ने दिया है हमें दो प्रकार की मिश्र धातुओं में सोना तथा चांदी का जो अनुपात है 7:22 है तथा 21:37 के अनुपात में है, ठीक है, इस मिश्रण धातु को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नई मिश्र धातु में सोने तथा चांदी का अनुपात वो कितना हो जाए 25:62 हो जाए, किस में मिलाया जाए कि 25:62 फाइनल आउटपुट हो जाए,
ठीक है, हो जाए या हो तो हमें क्या करना होता है, तीनों को बैलेंस करना होता है, पहली 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 संख्या लेनी होती है, एलिगेशन लगाना होता है, अनुपात आ जाता है, यह हमारा आंसर हो जाता है, बस और कुछ नहीं करना होता। आगे देखते हैं कि अनुपात में हो जाए तो देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 7:22 है, ध्यान से देखना जी, 7:22 है, दूसरा कितना है मेरा 7:22, 21 और 37, ये थोड़ी सी डिजिट पड़ी है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, चलो आगे देखते हैं। और लास्ट में करने को बोला है 25:62, अब यहां पे हमें क्या करना है, सबसे पहले इन्हें बैलेंस करना, बैलेंस करने के बाद में पहला 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 प्यार हुआ है वही वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, तो यहां पे क्या करना है, 22 और 7 29 हो गया जी, यहां अगर हम देखेंगे 7 और 1 8 हो गया, 3 और 2 5 हो गया, कितना हो गया 58, यहां पे देखेंगे 5 और 2 7 हो गया और 6 और 2 8 हो गया, अब इन तीनों को बैलेंस करना है जी, अगर मैं इसे दुबकाता हूं तो इन दोनों को गुणा करने में तो भैया मुझे नींद आ जाएगी, तो अब क्या कर सकते हैं, कुछ जुगाड़ देखो, जब कभी बड़ी वैल्यू होती है ना तो जो क्वेश्चन बनता है क्वेश्चन उतना ही टाइम लेगा, अगर वो 30 सेकंड का क्वेश्चन है तो 30 सेकंड ही लेगा, कमी कहां पे, या हम में या आप में, ठीक है, जो परफेक्ट बंदा होता है वो इस क्वेश्चन को 30 सेकंड में कैलकुलेट कर लेगा, कुछ ना कुछ तगड़मबाजी करेगा, तो उसी तरह आपको बनना है, ठीक है, सीखना है, स्पीड बढ़ानी है, ठीक है, चलो मेरा काम तो सिखाने का है, अब यहां पर कुछ ना कुछ दिमाग दौड़ाओ जी, मैं एक काम करता हूं यहां पर 87 में 2 का गुणा करके देखता हूं, क्या पता 2 के आसपास क्या हो, अब 87 में 2 का गुणा करूंगा तो मेरी रेल निकल जाएगी, तो 7 × 2 = 14 आ रहा है, या फिर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 7 × 2 = 14 + 1 = 2 8 16 + 1 = 17 174, वैसे मुझे 4 से मतलब है, बस यूनिट प्लेस से, जब यहां पे 4 है तो इसमें ऐसी संख्या का, लास्ट वाले नंबर में इसमें ऐसी संख्या का गुणा कर दो जिससे कि ये 4 आ जाए, तो 8 के बारे में कब आता है 4, 8 × 3 = 24, जुगाड़ बन गई अपनी, 8 × 3 = 24 का 4 आ गया लास्ट में, तो मतलब बैलेंस होगी, गुणा तो करना ही नहीं है ना, बैलेंस करना है मतलब सिर्फ हमें 4 से मतलब है, सीधी सी बात है, 9 में ऐसी संख्या का गुणा कर दो जिससे कि 4 आ जाए, तो 9 के बारे में कब आता है 9 × 6 = 54, तो यहाँ पे कितने का हो जाएगा 6 का, बस हमें तो लिखना था जी, और कुछ नहीं करना, गुणा फुड़ा नहीं करना, ठीक है, अब लेकिन इसका गुणा कहाँ करना है, इस छोटी सी संख्या में करना है, अगर आपको सेकंड वाली आसान लग रही है तो सेकंड 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 ले लो सबकी, और फर्स्ट वाली आसान लग रही तो फर्स्ट 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 वाली ले लो, जो सिंपल हो छोटी संख्या हो उसे ले लेना, ठीक है, आंसर दोनों का सेम आएगा, 6×7 = 42, 21 × 3 = 63, 25×2 = 50, एलिगेशन लगा दें, 50 के बाद 13, 42 के बाद 8, इसके बाद आंसर हो गया पक्का 110% करेक्ट, बिल्कुल, तो देख लेते ऑप्शन नंबर हमें देखने को मिल जाएगा 14 का 13 8, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है, ठीक है, तो समझ गए होंगे उम्मीद करता हूं, अगर आप सेकंड 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 लेना चाहते हो तो गुणा करते चलो और लेते चलो, मैंने अभी कौन सी वाली ली, ये वाली ये वाली ये वाली, ठीक है, फटाफट से नोट कर लीजिएगा, तो ये हमारा आंसर हो गया, ओके, फिर हम चलते क्वेश्चन नंबर 15 की ओर, क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, सिंपल तरीके से एकदम परफेक्ट तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, 15 में क्या दिया हुआ है, एक गिलास में दूध और पानी है, भाई दूध तो मुझे पिला दो, पानी आप पी लो, 3:5 के अनुपात में मिलाया गया है, ठीक है, तथा एक अन्य गिलास में 6:1 के अनुपात में मिलाएगा, दोनों गिलासों के मिश्रण को परस्पर मिला दिया जाए ताकि नए मिश्रण में किस अनुपात में मिला दिया जाए, कि अनुपात फाइनल जो आउटपुट है
फाइनल जो आउटपुट है कितना हो जाए, 1:1 हो जाए। जब भी कभी हो जाए तो वही सेम अभी हमने क्वेश्चन किया ना, 2 copy क्वेश्चन है। कैसे देखो जरा ध्यान से, 3:5 और यहां पे दिया 6:1 और फाइनल जो आउटपुट क्वेश्चन ने बोला है कितना बोला, 1:1। किस अनुपात में मिलाया जाए, जब ये वर्ड आपको मिल जाता है तो आपको यही फॉलो करना है। अब क्या करना होता है, समान करना होता है, समान कर लेते। 1 और 1 2, 6 और 1 7, 5 और 3 8। अब समान कर लो जी, तो इसमें कितने का कर दूं, अब बताइए, 8 में 7 का कर दूं, 7 8 56, इसमें 8 का कर दूं, 7 8 56, और इसमें 28, इसमें 28 का कर दूं। देखो अब आप ये मत बोलना कि सर आपने जो यहाँ पे छोटा कर दिया, यहाँ पे किसी को कर दिया, कैसे कर दिया। बस हमारा जो मेन एम है मल्टीप्लाई करने का, वो क्या मकसद है, सिर्फ इतना मकसद है, ये समान होना चाहिए ते तीनों। अब बाकी चाहे आप किसी का भी मल्टीप्लाई करो, समझ गए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा आंसर पे। बाकी दुनिया की किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करो, चाहे कितने से भी करो, लेकिन फाइनल जो आउटपुट मल्टीप्लाई करने पे आएगा वो तीनों का समान होना चाहिए। एक बार चेक करते, 2 8 16 की 6, 8 7 56 की 6, 8 7 56, 56 देखो, 56 ऐसे लिखता है ना, तो यूनिट प्लेस चेक कर लेते हम बस, 8 2 16, 16 का 6 आ रहा है, 8 7 56 आ रहा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, तीनों बैलेंस हो गई। पहला 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 उठा लो, चाहे दूसरा 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 उठा लो, कौन सा वाला अच्छा लग रहा है बताओ, पहला पहला पहला। अगर यहाँ पे वैल्यू जो है कठिन होती तो हम दूसरा ले लेते, आप दूसरा लेना चाहो दूसरा ले लो, कोई इफेक्ट नहीं है, तो पहला ले लेते, 7 3 21, 8 6 48, 28 1 एक बार वैल्यू थोड़ा सा नज़र डाल लीजिएगा कि यहाँ से 21 से लेके 48 के बीच में 28 आता है, हाँ बिल्कुल आता है, ये चेक कर लीजिएगा, तो 28 38 और ये कितना बचा, 20, 38 में से 48 में से अगर मैं 28 माइनस करूँगा तो कितना बचेगा, 20, और 21 में से ये गए तो कितना बचेगा, 7। ये हमारा क्या हो जाएगा, ANS, क्या होगा, ANS हो जाएगा, ANS का मतलब होता है एकदम करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर देख लेते, 20:7, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट एकदम करेक्ट है, फटाफट से नोट कीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चंस आपकी समझ में आ चुके होंगे। अब आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये वीडियो जहाँ तक आप फैला सकते हो, जहाँ तक अपने फ्रेंड्स तक पहुँचा सकते हो, पहुँचाइएगा, आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। इससे इस वीडियो को इतना वायरल करो या फिर अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर करो, जिससे क्या हो, हमारा जो चैनल है, हमारा आपका सबका थोड़ा सा प्रमोट हो। तो प्लीज़ आप मेरे लिए ना सही, मेरे इस चैनल के लिए या आप अपनी चैनल के लिए कर सकते हो, तो प्लीज़ अपने पास तक सीमित ना रखें और बच्चों की मदद करें, ठीक है। अपने से आगे वाला जो भी फ्रेंड हो उसे बताइएगा, ठीक है। चलो तो फिर हम चलते हैं, अब मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपकी मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। चलता हूँ, फिर मुलाकात होगी आपसे। वीडियो अगर पसंद आया या फिर आपके डाउट क्लियर हुए तो लाइक ज़रूर करना, ठीक है, बाय।